अब हमारे यहाँ बात तो इसकी होती है, ये बात हमारे यहाँ होती है कि नमाज को ऐसे पढ़ा जाएगा, यहाँ पर हाथ बांधेंगे, ये बोलना पड़ेगा, ये किया जाएगा, इसे संबंधी की जाएगी, ये सारी की जाएगी, इसे नमाज होगी। क्या इसे नमाज हो जाएगी? क्या इसे नमाज हो जाएगी कि वो आदमी से संबंधी में खड़ा हो जाए, सीनी पर हाथ बांध ले, या उधर कोई पढ़ रहा है हनफी जो है तो वो नाक पे हाथ बांध ले, वो खड़ा हो जाए, फिर इमाम के साथ झुकता चला जाए, क्या ये नमाज हो जाएगी? क्या नमाज होती किस चीज़ से? उस पर बहस नहीं हो रही, बहस इस पर हो रही एक्शन के ऊपर। एक्शन कर लेंगे तो नमाज हो जाएगी, एक्टिंग करने पे नमाज हो रही है कबूल, लेकिन कैफियत बयान नहीं हो रही कि जहन, क्योंकि नमाज के अंदर ये कोई नहीं बता रहा कि यार तुम नमाज पढ़ रहे हो तो तुम्हारा जहन नमाज में है कि नहीं, कि तुम मार्केट में घूम रहे हो, कि तुम दुकान के अंदर घूम रहे हो, कि तुम जो काम को छोड़ के आए हो उसके अंदर तुम्हारा दिमाग लगा हुआ है, किसी को तुम वेट करने के लिए छोड़ के आए हो कि भाई तुम बैठो मैं 10-5 मिनट में नमाज पढ़कर आता हूँ, तुम्हारा दिमाग उधर लगा हुआ है कि यार वो ना चला जाए, वो कस्टमर ना चला जाए, उसको कोई बयान नहीं कर रहा। एक्शन सही कर रहा कि नहीं सही कर रहा? एक्शन हो गई, सही हो गई नमाज, कैफियत बयान नहीं हो रही। अब उसको ये नहीं कह रहा कि भाई हुजूरी का तस्वुर है कि नहीं, कि तो अल्लाह के सामने खड़ा है तो इससे खड़ा हो रहा है कि वो बाल खुजा रहा है, कहाँ देख रहा है, घड़ी देख रहा है, इधर देख रहा है, टाइम देख रहा है, इमाम साहब बहुत लंबी किरात कर रहे हैं, उस पर कोई बहस नहीं, लेकिन बहस इसके ऊपर है, एक्शन पर है। तो ये असल तो ये है कि ये एहसास हमको होना चाहिए कि हम उस रब के सामने खड़े, और बंदगी हुई कि नहीं हमारी, इबादत की बात नहीं है, हम बंदगी करने के लिए पैदा हुए और बंदे हैं अल्लाह के। अल्लाह के रसूल सल्लम ने खुद फरमाया कि मुझे तुम अल्लाह का रसूल उसका बंदा कहो, असल बंदगी है, और हम बंदगी को छोड़कर सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं। इबादत बहुत छोटा मफहूम है उबदियत का, बंदगी, बंदगी यानी गुलामी 2400 घंटे, असल वो करना है, और गुलाम उसे कहते हैं कि उसकी कोई इख्तियार ना हो, जो कुछ अल्लाह की रजा के लिए करता हो वो बंदा है, लेकिन हम उसको इबादत कर लिया, हम तो इबादत कर रहे हैं, तो ड्यूटी निभा रहे हैं एक तरह से, लेकिन ये एहसास नहीं कर रहे कि हम उसके सामने खड़े, इसकी कोई फिक्र नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, अब ये फरमाया अल्लाह के, एक तो ये है, एक हदीस तो ये मिलती है हमको कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे देखते हो, ये पेश किया जाता है। अब उसके अंदर शिद्दत नहीं, देखो अल्लाह के रसूल फरमाया दिया ना, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे देखते हो, तो इसलिए ये सही मिल गई तो इसी पढ़ेगी, दूसरी पढ़ेगा तो नमाज नहीं। अक्सर यही हमारा वो रहता है, जब अल्लाह के रसूल फरमा दिया और हमको मिल गई, ऐसे ही पढ़ते थे, वो तो रफे दीन करते थे, वो तो सीने पर हाथ ही बांधते थे, तो वैसे ही पढ़ेंगे तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन साथ में अल्लाह के रसूल की दूसरी हदीस है, उसको भी तो पेश किया जाए कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया कि नमाज ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम रब को देख रहे हो, तुम नहीं देख सकते, तो ये एहसास करो, ये महसूस करो कि वो तुम्हें देख रहा है, तो तुम्हारी नमाज। तो पेश तो ये की जानी थी उसकी बजाय, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है, तो असल तो ये था कि तुम किसके सामने खड़ो, उस रब के कायनात, रब कायनात के सामने खड़ो, तो तुम्हारी नमाज वैसी हो रही कि नहीं हो रही, उसका तसव्वुर है कि नहीं, उसकी हुजूरी का कि वो मौजूद है, तुम्हारे शेरक से करीब है, तुम्हारे साथ है, तो उसके लिए कोई बात नहीं हो रही, बात सिर्फ एक्शन की होती है और उस पर रखा जाता है। ये हदीस को पेश नहीं किया जाता, इसको पेश किया जाना चाहिए। और ये अब उसके अंदर हाथ पैर कहाँ, पैर कहाँ, हाथ कहाँ, और इस पर जो है बातें होती हैं, जबकि अल्लाह के रसूल ने एक और हदीस में फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे मालों को, शक्लों को, तुम्हारे लिबासों को नहीं देखता, कैसे खड़े हो, क्या खड़े हो, तुम्हारी कैफियत क्या है दिल की उसको देखता है, खुशू कितना है तुम्हारी नमाज के अंदर उसको देखता है, दिल तुम्हारा अल्लाह पे लगा हुआ है कि नहीं उसको देखता है, सिर्फ अल्लाह के लिए पूरी दुनिया से कटकर उसके सामने खड़े हुए कि नहीं, तो वो उसको देखता है। तो वो चीज़ है असल, कि जैसे ये अजान हुई तो देखे अल्लाह अकबर, हम तेरी सदा सुनी, अल्लाह तेने बुलाया, हम दौड़ कर चले आए, सब छोड़ दिया हमने, तिजारत, हमारा जो रिश्तेदार जिसके पास से खड़े, तेरे सामने आकर हम खड़े हुए, रब तूने पुकारा, तूने आवाज़, हम यहाँ आकर खड़े होते, ये एहसास है कि नहीं, वो नमाज है। ये नमाज सिर्फ एक्शन का नाम नहीं, असल नमाज वो। तो नमाज तो यहाँ से शुरू होती है कि रब पुकारे और बंदा वहाँ से जिस कंडीशन में हो तोड़ के निकल जाए, मेरे रब ने पुकारा, मैं उसका बंदा, तो ये नमाज होती है।
यो ये कैफियत, ये बंदगी की कैफियत है। और अल कुरान में अल्लाह ने कहा कि नमाज में खुशी और खुशी इख्तियार करें वो फला पाने वाले, तो फला पा गए वो जो नमाजी, जो अपनी नमाज में खुशी और खुशी इख्तियार करते हैं तो वो फला पाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लम ने, ये इतनी दीन का सबसे ज़रूरी हिस्सा था, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि बच्चों को, बच्चे के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लम से रहम दिल दुनिया में कोई नहीं पैदा नहीं हुआ जो बच्चों पर शफ़क़त और रहम करने वाला। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लम ने नमाज के लिए उसके कहा कि इसको मश्क करानी पड़ेगी, ऐसी नमाज पढ़े, कैसी नमाज पढ़े कि अल्लाह की हुजूरी का तसव्वुर हो उसके सामने, पूरी दुनिया से कटकर रब के सामने खड़ा हो। इसलिए कहा कि इसको बचपन ही से प्रैक्टिस करो, 7 साल का हो जाए इसको ले जाओ मस्जिद में ले जाओ पढ़ाओ इसको नमाज, और 10 साल का हो जाए तो फिर इस पर सख्ती भी करो, और करते भी हैं मुसलमान सब इसके ऊपर। बल्कि 7 साल के 3 साल 4 साल के बच्चे को हम ले जाते हैं कि चलो भाई नमाज कभी से डालेंगे तो आदत में आएगी इसकी, तो वो कैफियत भी उसके अंदर आनी चाहिए। इसीलिए बचपन से अल्लाह के रसूल ने कहा कि बचपन ही से लगाओ इसके अंदर, दुनिया की चीज़ें इसके जहन में अभी कुछ भी नहीं है, ये सोचता नहीं है, ये बच्चे के लिए क्या खेलना और खाना इसके अलावा नहीं सोचता, तो वहाँ पर इसकी अगर नमाज में लग गया तो इसके अंदर वह खुशी पैदा हो गया तो पूरी ज़िंदगी इसकी कामयाब हो जाएगी। तो इसलिए हमको बताया गया, हम नमाज पढ़वाने में ज़बरदस्ती हम आज भी करते हैं, इसको फॉलो करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लम की हदीस जो उन्होंने कहा, और रोज़ा नहीं रखवाते हम, रोज़ा रखे अगर बच्चा 7 साल का भी 6 साल का भी तो हम कह देंगे रोज़ा सेहत ख़राब हो जाएगी, गर्मी ज़्यादा है बाद में रख लेना, संडे को रख लेना, रोज़े नहीं रखते रखवाते हम छोड़ देते। लेकिन नमाज के लिए तो हमारे लिए जानते हैं इसकी अहमियत, तो बच्चों को हम नमाज भी पढ़वाते हैं। तो इस ये है कि इसकी मश्क करने में, इसी नमाज की मश्क करने में वक्त लगेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि हमको मालूम पड़ गया कि यार इसी नमाज असल तो यार इसी नमाज होती है, इसी नमाज के सबसे कट के हम अल्लाह के लिए खड़े हो जाए और कोई भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह और हम, कोई जहन में दूसरा ख्याल ही नहीं, ना औलाद का, ना बीवी का, ना बच्चे का, ना तिजारत का, ना किसी चीज़ का, ना किसी गम, ना कोई फिक्र, सिर्फ अल्लाह के सामने। तो ये कैफियत आ सकती है, ऐसे नहीं कि नहीं आ सकती, आ सकती है, लेकिन इसको मश्क करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आ जाएगी, ये करना पड़ेगी, ये हो जाएगा। और इसके लिए तो आपको करना पड़ेगा, महारत कर लाने में वक्त लगेगा, दिल अल्लाह की तरफ और किसी पर नहीं लगा, जिस्म अपना काम कर रहा है रुकू और सजदा, आप इतनी प्रैक्टिस तो है आपको रुकू सजदे की, आपको कहना नहीं पड़ता कि दिमाग से कि कमर को बोले झुक जा रुकू का टाइम हो गया और झुक जा सजदे का टाइम हो गया, ये तो जिस्म खुद जानता है कि आपकी सूरत ख़त्म हुई, ये खुद झुकने को तैयार हो जाता, ये अपनी कैफियत खुद समझता है, ये तो काबू में हमारे, ये आ गया उस मश्क के अंदर, बदन तो चल रहा है उसी हिसाब से, इसको बताना नहीं पड़ता खुद को, हमें कितनी बार मालूम ही नहीं पड़ता, इसलिए गफलत क्यों होती है, अरे सजदा एक हुआ कि दो, क्यों, क्योंकि जिस्म खुद कर रहा है, अगर हम दिमाग से बार बार सोच के करते तो हमें पक्का याद रहता कि एक किया कि दो, लेकिन ये जिस्म खुद कर रहा है तो कनेक्शन आपस में उसका कट जाता है, वो कटता क्यों, क्योंकि जहन नहीं हमारा नमाज में नहीं, इसके लिए कट जाता। तो ये है कि ये खुद करने लगे, और फिर क़याम के अंदर, क़याम कब करना है, उठना है, ये जिस्म खुद कर लेगा, और जहन कहाँ पर, अब जहन को भी है कि कहना नहीं पड़ेगा कि झुको, तो ये भी हो जाएगा, और जुबान, अब ये जहन तो अल्लाह की तरफ दुनिया से कट कर, बदन अपना काम खुद कर रहा है उसके जो एक्शन से नमाज की, और जुबान जो है वो तिलावत कर रही है, और उसके बाद जो हमारा अलग जो सोचने वाला जो माइंड होता है, एक तो जुबान से हम पढ़ रहे हैं वो भी हमको समझ में आ रहा है, तो हमारा जो ये माइंड है वो सुन रहा है, और एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो माइंड हमारा क्या करता है कि वो सोचवाता है, वो दुनिया भर में हमको घुमाता है, तो उसको उस जो पढ़ रहे हैं आप उसके मफहूम में लगाओ, जो सूरत आप पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, जो सूरत आप पढ़ रहे हैं उसका मफहूम उस दिमाग के अंदर चलना चाहिए, तो फिर वसवसा भी ख़त्म और वो नमाज के अंदर पूरी तरह आप आ जाएंगे, दोनों जहन आपके उसके अंदर आ, फिर वो नमाज हो जाएगी, और ये सब होगा तो यकीन, फिर साथ उस साथ में फिर यकीन भी हो ऐसी नमाज सब पढ़े, तो ये फिर असल आपकी इबादत होगी, असल बंदगी होगी ये नमाज का, और इस पर होनी चाहिए हमारी बहस, इस पर होनी चाहिए हमारे मुनाजरे, इस पर होनी चाहिए सारी बातें, तो हमारी नमाज सिर्फ एक्शन पर लगकर कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि कई तो गुनाह के वायस है, वो सारे मुनाजरे गुनाह ही होता है, जीतने के लिए आदमी उसके अंदर सच्चा झूठा भी बोल जाता है, बदखलाकी कर जाता है, सब कुछ उसके अंदर गाली गलौच मारा कुटी तक होती है इसके अंदर, और कई चीज़ें वो सामने वाला दलील पेश करता तो कि ये तो जिद करके बैठ गया कि मेरे को तो मानना ही नहीं है, तो वो सामने वाला सही हदीस भी पेश कर रहा है ये इनकार कर देता,
तो गुनाह। तो कुल मिला के मुनाजरे में सिवाय गुनाह के कुछ नहीं मिलता। तो उन चीज़ों पे बात क्यों करें, हम इस पे बात करें जो असल नमाज जो हमको बतलाई गई है। और ये सब चीज़ें नई नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि यार ये अजीब बात हो सकता है किसी ने पहली बार सुनी हो कि ये अजीब कोई नमाज बता रहे, ये तो कोई ऐसी सूफिया उफिया की बात तो नहीं लग रही, तसव्वुफ़ की बातें लग रही। ये तसव्वुफ़ ये है, हमारे असलाफ ने बयान किया है इसको, साहबा इसको करते थे इन चीज़ों पर। ये हमने वो चीज़ें नहीं ली, हम सिर्फ एक्शन ले लिया, हमने सिर्फ हमने वो चीज़ें साहबा से नहीं ली। नहीं तो साहबा, एक आपको बताऊँ मशहूर वाक्य है, दो साहबी खड़े थे, उनको पेरे पर लगाया था मदीना के बाहर, जब वो दुश्मन के भाई रात को हमला ना करते ही, तो उनको लगाया, दो पहरे दे रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं सो जाता हूँ या तुम सो जाओ, ताकि दोनों एक साथ जगेंगे तो किसकी नींद लग जाए, तो एक सो जाते एक बैठ जाते। तो उनके अंदर जो है एक साहबी थे, वो उन्होंने कहा तुम सो जाओ, मैं तो ये जगा रहूँगा, उसके बाद तुमको उठा दूँगा रात। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो सो गए और वो नमाज में लग गए। उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूँ, बोले मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ इतने, और नमाज वो पढ़ रहे हैं, और नमाज के अंदर इतना खो गए, इतना खो गए नमाज के अंदर के, उधर के सामने से दुश्मन आ गया, वो दुश्मन आ गया, उसने तीर मारा, वो तीर उनके पैर में लग गया और खून निकल गया उससे, और वो फिर भी वो नमाज से हिल नहीं रहे, वो उसी के अंदर अपने कायम में लगे हुए, तिलावत में लगे हुए कुरान की। उसके बाद वो दूसरे साहबी थे, उनके जब उनका खून रिस कर उनके पास में पहुंचा, और उनको जब उससे बेचैनी हुई, उनके जब हाथ उस पर कुछ लगा जिस्म पर, तो जब उनकी नींद खुली, उन्होंने देखा अरे खून निकल रहा है। उन्होंने कहा कि तुमको तीर लगाया, तुमने मुझे जगाया भी नहीं, तुमको तीर मार दिया गया। तो बोले मैं नहीं चाहता था कि मैं मेरे रब से जो ताल्लुकात है, मेरे ताल्लुकात को ख़त्म कर लूँ, और मैं जो इतना कुरान के अंदर तिलावत में इतना गुम था कि मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ। अब ये तसव्वुफ़ की बात है कि बताइए, ये सहाबा का अमल है कि कर रहे हैं, ऐसी नमाज पढ़ रहे हैं, उनको तीर भी लग रहा है मालूम नहीं पड़ रहा। और कई असलाफ के अंदर से कई के वाक़ात हमको मिलते हैं, एक ताबेईन का वाक़ मिलता है कि उनका पैर काटना था, और उस वक्त कोई आपकी एनेस्थीसिया तो था नहीं, आज के टाइम में इंजेक्शन लगा दे तो बेहोश हो जाए, पैर काट दिया जाए। तो पैर काटने के लिए अगर किसी को ऐसे ही होशोवास में पैर काटा जाए तो मर जाए आदमी, उसके सामने अगर पैर काटेंगे तो मर जाएगा, इतना दर्द होगा उसको। तो उसके लिए क्या किया जाता था, पहले शराब पिलाई जाती, वहाँ शराब के भी इलाज के लिए है, ताकि इसके अंदर जो है होश इसके हो जाए, बेहोशी भी अकल आलम में हो जाए, तो पैर काट दिया जाए, तकलीफ का एहसास नहीं होगा। तो उनसे कहा कि तुमको पीनी पड़ेगी, नशा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, हराम चीज़ें मैं नहीं पीऊँगा। तो बोले फिर ये तुम्हारा जिस्म सड़ जाएगा, मर जाओगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम एक काम करो, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, तुम अपना काम करो। उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू की, और इधर उन्होंने देखा कि हाँ, अब ये तिलावत में बिल्कुल चले गए, तल्लीन हो गए। उन्होंने पैर काटना शुरू किया, उन्होंने एक जर्रा बराबर भी उन्होंने शिकन तक नहीं आया उनके चेहरे को, और उनका पैर कट गया। तो ये तसव्वुफ़ की बात नहीं है, ये सहाबा का अमल है, असलाफ का अमल है, ये उनकी तिलावत है, और ये नमाज हुआ करती है। असल नमाज हमारी है, ये चीज़ें होंगी तो फिर। अब ये जो चीज़ें हैं, ये बातें बयान नहीं होती, ना कोई इसको बयान करता है, ना ये मदरसों में बच्चों को बताई जाती है, कहीं पर भी नहीं है, ना दारुल उलूम के अंदर, ना माँ बाप सिखाते। तो फिर आदमी के अंदर ईमान आएगा कैसे? इसलिए तो वो फिर जिसके अंदर उन्होंने उसको आदत डाल दी नमाज की, वो आदत भी उसकी पूरी मुकम्मल नहीं हो रही, वो 10 साल तक उसको खींच के से उसका बाप नमाज ले गया मस्जिद उसको, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो नहीं आई, फिर भी छोड़ देता नमाज, जहाँ देखा कि बाप बाहर गया या बाप मर गया, तो उसके बाद वो सब छोड़ देता है, अब कोई नहीं है मेरे को कहने वाला। तो उसके अंदर वो ताल्लुक ही पैदा नहीं हुआ अल्लाह से, तो ये हम बता ही नहीं जा रहा, ये बताने की ज़रूरत, ये बयान करने की चीज़।